नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 अगस्त 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड 2021 एडमिशन लेटेस्ट अपडेट क्या है, फाइनल ईयर छात्र क्या करें, क्या दोस्तों डेट बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि क्या डेट बढ़ सकती है। आज देखिए हमारी 2 तारीख हो चुकी है, आवेदन करने का पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और सरकारी कॉलेज पाना आसान। देखिए दोस्तों, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो देखिए 2019 का, जी हाँ दोस्तों, ये वो आपके सामने रख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो कि दोस्तों एक्सेप्टेड था। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं थी, खामी नहीं थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, जेंडर दोस्तों फादर्स नेम, कैटेगरी और उसके बाद सब कैटेगरी, ये सब दोस्तों भर दिया होगा। उसके बाद देखिए आपका एजुकेशन डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए ग्रेजुएशन का दोस्तों पूरा मैटर है। अगर देखिए ग्रेजुएशन का अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है और दोस्तों फिर आप क्या करें। देखिए गाइस, रिजल्ट आना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है, आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो एक ही दोस्तों विकल्प की डेट बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना था। ₹500 की दोस्तों आपको पेमेंट करनी है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, बाकी SC ST में ₹300, फिजिकल हैंडीकैप के लिए ₹100। ठीक है, तो ये दोस्तों था। और देखिए आपके मन में एक और सवाल था कि सर जी, हम जो होता है ना मार्कशीट नंबर, वो क्या भरें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे मार्कशीट नंबर, जैसे दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट नंबर हम देखें, यहाँ पर देखिए लिखा है 3614 करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यह भरा था, प्रमाण पत्र क्रमांक या सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, आप इसको भर सकते हैं मार्कशीट नंबर की जगह। कुछ बच्चों का दोस्तों सवाल यहाँ आता है कि ये जो ऊपर लिखा है ये भी तो हो सकता है, या दोस्तों यहाँ पर सीरियल नंबर। देखिए आप लोग फिलहाल सीरियल नंबर मत लिखा करिए, कोई और नंबर लिखेंगे तो चल जाएगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें, देखिए अगर आप दोस्तों ये जो नंबर होता है इंटर हाई स्कूल के, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए नंबर लिखा होगा, ये देखिए टोटल नंबर, जैसे यहाँ पर हाई स्कूल का था 600, हमने पाया था 466। अगर दोस्तों हमने 466 की जगह 467 नंबर लिखा होता तो यह फॉर्म पूरी तरीके से गलत हो जाता, इनवैलिड हो जाता। उसका रीजन आपको बता दें, क्योंकि हम मेरिट को प्रभावित करते हैं, जो आपका डीएलएड का एडमिशन होता है इस मेरिट बेस पर होता है। तो ये दोस्तों जो ऑब्टेन नंबर होता है और जो टोटल नंबर होता है, आप इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या गलती नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोस्तों जो कॉलम देख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अगर आपने मार्कशीट नंबर में थोड़ी बहुत गलती भी कर दी, ठीक है, लेकिन आपके मार्कशीट पर यह नंबर लिखना होना चाहिए। कोई बच्चे यहाँ वाला लिख देते हैं, कोई बच्चे दोस्त ये ऊपर वाला लिख देते हैं। ठीक है, तो गाइस इसका आप एफिडेविट लगाकर आप इससे बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर लापरवाही कर दी ना, तो ये आपके लिए फिर दोस्तों फिर दिक्कत कर देगा। ज्यादा नंबर भरना मतलब वही होगा कि अगर आपको सरकारी कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा तब भी दोस्तों इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए एक बात और आपको बता दें, जैसे मैं यहाँ 466 नंबर भरा है ना, इतने नंबर हमने हाई स्कूल में पाया है, अगर दोस्तों इसकी जगह हम 465 नंबर डाल देते हैं तब तो दोस्तों एक बार कॉलेज वाले मान जाते, क्योंकि हमने ज्यादा नंबर नहीं डाला, कम डाला है। ठीक है, ये हमारी भूल स्वीकार हो जाएगी। लेकिन ज्यादा नंबर डाल दिए तब बिल्कुल भी दोस्तों भूल स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि मेरिट के बेस पर एडमिशन है, इसलिए दोस्तों दिक्कतें आती हैं। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे तो इसका जो प्रिंट आउट है, जी हाँ दोस्तों, ये आपको स्कूल में लेकर जाना पड़ेगा कॉलेज में एडमिशन के समय। आपके कॉलेज वाले इसी से आपका मिलाएंगे कि आपने कितना नंबर डाला है। ठीक है, आप बच नहीं पाएंगे। और दोस्तों जो आपका इंटर का नंबर होता है, देखिए यहाँ पर टोटल लिखा भी रहता है कि हमने 500 में से 398 नंबर स्कोर किया पाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों शो कर जाएगा ये सब मैटर। तो ये दोस्तों तरीका होता है। फिलहाल आप लोग देखिए बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है, परीक्षा की फाइनल ईयर के अगर आप लोग हैं तो उसको अच्छा स्कोर करिए। फिलहाल देखते हैं डेट बढ़ती है कि नहीं, वैसे बढ़नी तो चाहिए, नहीं तो यही होगा दोस्तों काफी सीटें खाली रह जाएंगी। और आपको दोस्तों बता दें, डीएलएड में एडमिशन के लिए 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, बीएड के लिए दोस्तों तकरीबन 6 लाख आवेदन फॉर्म आए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो बच्चे पेपर देंगे। अब बताइए दोस्तों, डीएलएड में अभी तक 1 लाख भी संख्या नहीं पहुंच रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतने ज्यादा बच्चे क्यों हैं, क्योंकि बीएड में अपियरिंग मांग लेता है। ठीक है, फाइनल ईयर के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड में फाइनल ईयर वाले बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरिट बेस पर है दोस्तों। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा फाइनल ईयर का, तो आप ग्रेजुएशन में डालेंगे क्या, कितना नंबर आप स्कोर किए कैसे बताएंगे। ठीक है, वो जोड़ जाड़ कर फाइनल ईयर लिया जाता है ना, दिक्कत यहाँ ये आती है। तो इंतजार दोस्तों करना है, देखते हैं जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। क्या डेट बढ़ेगी दोस्तों, अभी देखिए कोई कंफर्म नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है, आवेदन फॉर्म में दोस्तों आपको संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। मान लेते कि आपने फाइनल ईयर में भैया गलत नंबर डाल दिया,
तो उसका आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो वैसे भी दोस्त वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाना जब आप गलत नंबर डालेंगे, तो कोई मतलब नहीं है गाइस। ठीक है, या तो अगर आपके जिले में कोई भी प्राइवेट कॉलेज है तो आप वहां संपर्क करिए, वो आपको तरीका बता सकते हैं कि यार ये करना है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। काफी ऐसे बच्चे जिनको भैया इस बार एडमिशन लेना ही लेना है हर हालत में। देखिए, जो बच्चे पिछले साल से इंतजार कर रहे हैं उनका तो हो जाएगा, क्योंकि उन बच्चों का भाई फाइनल ईयर हो गया, और डीएलएड का जो 2020 का कोई बैच आया नहीं, मतलब पिछले साल कोई एडमिशन नहीं हुआ डीएलएड में, लेकिन बीएड में हुआ था। और आप में से दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 6 तारीख को भी, 6 अगस्त को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, जितने बच्चे बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में पास होंगे सरकारी कॉलेज मिलेगा, वो तो दोस्तों आग बंद करके सरकारी कॉलेज ले लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, वो बच्चे पहले प्रयास करेंगे कि उनको डीएलएड में सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सरकारी का मतलब दोस्तों डीएलएड में क्या होता है, इसको बोला जाता है डाइट, DIET। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या क्या होता है। फिलहाल जो भी अपडेट्स निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जो भी अपडेट नई भर्ती की होगी, नई शिक्षक भर्ती आने वाले समय में जो आपको मौका दिया जाएगा, उसकी भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग आवेदन करिए, और दोस्त इसको जरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही आवेदन करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है, अगर देखिए आपके पास जो चीज नहीं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन होगा, फाइनल ईयर का भी आपका ऑनलाइन वाला रिजल्ट आएगा, वहां मार्कशीट नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, तो सिंपल था दोस्तों, आप एन करिएगा ऑब्लिक नॉट अवेलेबल, एन ए कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन देखिए आपको बता दें, डीएलएड एडमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये मेरिट, मेरिट के बेस पर एडमिशन है। आपका नाम ये सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ हो गई। देखिए देखा क्या जाता है, एक तो दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, और फाइनल ईयर का परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का पूरा मैटर करता है। अगर जनरल कैटेगरी के आप छात्र हैं, या दोस्तों आपको ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना है, ठीक है, तब भी दोस्तों आपका 50% से कम है तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं तो 45% पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी के छात्र हैं तब भी 45 पर हो जाएगा। एसटी कैटेगरी के छात्र हैं तब भी दोस्तों 45% पर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप फिजिकल हैंडीकैप छात्र हैं तब भी आपका 45% पर हो जाएगा। देखिए, फिजिकल हैंडीकैप का मतलब एक बात और याद रखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप छात्र हैं, तब भी दोस्तों आपका जो परसेंटेज देखा जाएगा वो 45 ही देखा जाएगा। ठीक है, वैसे फिजिकल हैंडीकैप का मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब जनरल ओबीसी नहीं होता है, उनके लिए अलग से आरक्षण होता है, इस बात का भी जरा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी फिजिकल हैंडीकैप में भी सीट्स आ जाती है कि जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी है, तो इस बात का भी आपको खासा ध्यान रखना है। ये दोस्तों पूरा मैटर हमने आपके सामने रख दिया कि मेरिट में आप गलती नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी नंबर आपने ज्यादा डाल दिया तो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, वो आपका एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, फिर आपका एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के बेस पर होगा, फिर आपको किसी भी कीमत पर सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आवेदन करने का दोस्तों पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दी, यही सब है दोस्तों, यही सब आपको डालना पड़ता है। बाकी कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, जहां से आप जाकर डीएलएड के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल ईयर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप आवेदन के पात्र नहीं है। या तो एक काम करिए, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से संपर्क करिए, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया तो सरकारी कॉलेज तो भाई भूल जाइए कि आपको मिलेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।